वक्त पवित्र आत्मा का द्वारा ही आपका जीवन का संचालन होना चाहिए। तो आज घर जाएगा, सबों को आप बताएगा क्या अनुभव हुआ है, लेकिन कल से आपका जीवन में क्या बदलाव होगा, सबसे पहला क्या बदलाव होगा, कोई बोल सकता है? अभी निश्चय किया होगा? क्या निश्चय किया? मैं बताऊंगा कि मरकुस का सुसमाचार का पहला अध्याय में हम क्या पढ़ा, प्रभु ईसा मसीह कैसे उनका दिनचर्या, कैसे उन्होंने रोजगारी करता है, उसमें कैसे हम पढ़ा, प्रभु ईश्वर पुत्र हो, ईश्वर होते वक्त भी बड़े सवेरे उड़कर एक एकांत जगह पर जाकर प्रार्थना करता था। यही हमारा शुरुआत होना चाहिए, ठीक है क्या? करेगा है? सुबह सुबह सोने के लिए बहुत अच्छा समय होगा, लेकिन प्रार्थना के लिए भी अच्छा समय है। तो व्यक्तिगत प्रार्थना पर चालू होना चाहिए, व्यक्तिगत प्रार्थना। करीब कम से कम 4 बजे, 4:30 बजे उठकर व्यक्तिगत प्रार्थना करना चाहिए, उसके बाद बाकी सब काम। और मध्यस्थ प्रार्थना बाद में कर सकता, और बाइबल पढ़ना चाहिए, और रोज कम से कम एक व्यक्ति को प्रभु के बारे में बताना चाहिए। ये हमारा रोज व्यक्तिगत प्रार्थना में आप प्रभु से, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु पवित्र आत्मा आज कम से कम एक व्यक्ति को मेरे पास आइए, नहीं तो मुझे ले जाइए, मैं प्रभु ईसा मसीह का सुसमाचार बताने के लिए रोज। और जरूर प्रभु वो करता है, आपके पास आएंगे। मुझे ऐसा अनुभव है, मैं बस के लिए खड़ा था बस स्टॉप में, पहले मैं एक ही था, तब मैं सोचा बस आने के लिए अभी और 5 मिनट है, तब एक दूसरा आदमी आ गया तो देखा तो 5 मिनट है, तो मैं 5 मिनट में वो व्यक्ति के साथ बातचीत किया। मैं बोला देखो प्रभु ईसा मसीह हम सबों को प्यार करता है, प्रभु ईसा मसीह ईसाइयों का कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो, प्रभु ईसा मसीह जब आया तो कोई ईसाई नहीं था, प्रभु ईसा मसीह जब जीवन बलिदान किया तो भी कोई ईसाई नहीं था, प्रभु सबों को प्यार करता है, सबों का पाप लेतिया है, प्रभु आपको आशीष देता है, जो बस आ गया है, ठीक है, जय यीशु। बस स्टॉप में मैं ट्रेन पर चलते वक्त एक आदमी मेरे पास जाके बैठा, और प्रभु ने कहा इसका हृदय में एक द्वार है, प्रभु ने मुझे संदेश दिया, उनका हृदय पर एक द्वार है, उसके लिए प्रार्थना करो। तो मैं उनके लिए प्रार्थना करने चालू किया। वो मुझे मालूम है वो एक ईसाई नहीं है, मैं उनसे कहा देखो भाई साहब आपको प्रभु ईसा मसीह आशीष दे रहा है, आपका हृदय में एक द्वार है, उसको चंगाई देने वाला है। हमको कैसे मालूम है? हमको कैसे मालूम है? अभी अभी डॉक्टर ने मुझे बताया, किसी को मालूम नहीं। ये आपको एक चिन्ह है, किसी को मालूम नहीं, लेकिन प्रभु ईसा मसीह जो ईश्वर है इसलिए उनको मालूम है। अभी प्रभु ईसा मसीह आपको प्यार करता है, आप प्रेम करता है, इसीलिए आपको चंगाई देता है। मैं उसके लिए प्रार्थना किया, उसके बाद उनका स्टेशन आ गया, वो उतर के चले गया। वैसा ही हमारे साथ प्रभु हमें उपयोग करेगा, इसलिए अभी जो वरदान आपको मिला है, दूसरे क्या जीवन पर क्या दुख तकलीफ समझने के वरदान, वो दुख तकलीफ समझने के बाद छोड़ना नहीं, उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। चंगाई का होगा, नहीं तो आंधरी चंगाई का होगा, परेशानी का होगा, तो कल से
यही अपना जीवन होगा। ठीक है, जरूर। और मेरे लिए भी प्रार्थना करना, और मेरा टेलीफोन नंबर मैं और एक बार बताता हूँ, जो नहीं मिला है लिखिए 9447196033। आपको कुछ भी परेशानी तकलीफ हो तो व्हाट्सएप में बुलाएगा तो नहीं मिलेगा, व्हाट्सएप में मुझे एक संदेश दे दो। तो मैं 25 घंटे के पहले 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जवाब देगा, सचमुच आपके लिए प्रार्थना करेगा। आपको जो भी परेशानी है आप मुझसे संपर्क कर सकता है। और आप में किसी लोगों को हमारा टीम में दूसरा जगह पर, अभी यहाँ पर 4 लोग यहाँ पर बैठकर दिन रात प्रार्थना करता रहा, ऐसे ही हमारा बहुत आराधना केंद्र है, परपेक्चुअल एडोरेशन सेंटर है। अगर आपको पवित्र आत्मा प्रेरणा देता है तो मुझे संदेश दीजिए, मैं आपको उस सेंटर पर अभी समझो कि 3 महीना के लिए, 6 महीना के लिए, नहीं तो 1 साल के लिए मैं प्रार्थना के लिए चाहता है तो मुझे संदेश देगा, तो मैं उसके लिए व्यवस्था कर सकता है। आपको मेरा डायरेक्शन में वो प्रार्थना में सहभागी हो सकता है, आपको डायरेक्शन मिल सकता है। और मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि फादर को और यहाँ पर जो जो इनके लिए आयोजन किया है वो सबों को धन्यवाद देता हूँ। आप सबों को धन्यवाद, सबों को बहुत बड़ा आशीष दीजिए, बोलो प्रभु यीशु क्रिस्त की। हालेलुया। अभी हम खाना खाकर अपना घर वापस जाएंगे।